नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना डीआर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, अभी बैकग्राउंड में जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह पशु प्रेग्नेंट थी, 5 महीने का पशु प्रेग्नेंट थी और उसको एवर्सन हो गई। और एवर्सन होने के बाद पशु जो है खाना खानाई, जुगाली करनाई बिल्कुल बंद कर दी। और जब हम ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पहुँचे तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि पशु को जो पेट में बच्चा है वह डेथ कर गई है। और जब डेथ करने के बाद जब हम पशु के पेट से बच्चा निकाले और ट्रीटमेंट दिए तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और खाना खाना जुगाली करना स्टार्ट कर दी। तो आखिर हम यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि पशु के पेट में अगर बच्चा डेथ करती है और डेथ करने से पहले क्या सिग्नल देती है जिसको किसान भाई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके वजह से पशु के पेट में बच्चा डेथ कर जाती है। तो सबसे पहले साथियों, आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट आपको नोट करना है और आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले साथियों, जो पशु प्रेग्नेंट है और खाना खानाई जुगाली करनाई बंद कर दी है, तो खाना खानाई जुगाली करनाई जो है बंद कर दी है, किसी भी कारण किसी भी परिस्थिति में पशु बंद कर देती है, कोई भी डिजीज हो, फीवर हो गया हो या फिर पेट में गैस बन गया हो या फिर कोई और परेशानी से पशु के पेट में गैस बन गया या किसी भी वजह से पशु खाना खाना जुगाली कर रहे बंद कर दिए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पशु के पेट में जो है बच्चे डेथ कर गई है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है जिसको हम और आप फॉलो नहीं करती हैं तो उसके पेट में जो बच्चा है सब ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहला कंडीशन, पशु जब किसी भी बीमारी से ग्रसित होती है और अगर वह पेशाब की रास्ता से भेजाइना से कुछ डिस्चार्ज गिराने लगती है, डिस्चार्ज यानी कि पानी के जैसे जो होता है, जब पशु प्रेग्नेंट होती है, गाभिन होती है और हीट में आती है और जिस तरह से पेशाब के रास्ता से डिस्चार्ज गिराने लगती है, रेड कलर या फिर वाइट कलर में किसी कलर में वह पानी गिराने लगती है पेशाब के रास्ता से, और वह बार बार गिराती है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन करके गिराती है। और वहाँ पर जो है किसान भाई लोग समझते हैं कि पशु प्रेग्नेंट है इसीलिए गिरा रही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पशु अगर पेशाब के रास्ते से ज़्यादा कुछ भी डिस्चार्ज करती है, चाहे किसी भी कलर से अंदर से डिस्चार्ज आ रही है, चाहे वह रेड कलर की हो गई है, वाइट कलर की हो गई है, तो उस परिस्थिति में माना जाता है कि पशु के पेट में बच्चा जो है या तो ख़त्म हो गई है या फिर उसके जो बचदानी यूटेरस है उसमें जो पानी रहती है उस पानी की कमी हो गई है। तो साथियों, सबसे पहले अगर पशु को डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा ही आती है, जिस दिन डिस्चार्ज आ गई है उसी दिन अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, उसी दिन आप जो हाई प्रोजेस्टेरोन ग्रुप का जो इंजेक्शन आती है, हाई प्रोजेस्टेरोन ग्रुप जैसे कि ड्यूराप्रोजेन नाम से इंजेक्शन आती है, तो जिस दिन थोड़ा थोड़ा करके वाटर आई है, थोड़ा थोड़ा करके ही वह पेशाब के रास्ता से कुछ गिराई है, उसी दिन अगर आप ड्यूराप्रोजेन या हाई प्रोजेस्टेरोन कंपोजिशन का दवा इंजेक्शन दिलवा देते हैं तो यह परेशानी जो है पशु को एवर्सन होने की जो परेशानी है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो पानी गिराने लगती हैं तो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे करके वह पानी ज़्यादा गिरा देती है, अपने यूटेरस से अपने जो बचदानी है उससे पानी ज़्यादा गिरा देती है। और जब पानी ज़्यादा गिरा देती है यूटेरस से बचदानी, तो एक तरह का उसमें जो न्यूक्लस पानी ही रहती है और पानी में ही जो बच्चा है, चाहे वह गाय हो गया, भैंस हो गया, वह बच्चा पानी में ही सुरक्षित रहती है। और जब पूरा पानी वाटर अंदर से बाहर की ओर आ जाती है या फिर पूरा नहीं आती है, कुछ पानी अंदर से बाहर आ जाती है, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि जो यूटेरस है उसका मुंह खुल जाती है और
फिर पूरा ज़्यादा करके पानी आने लगती है और पशु का बच्चा अंदर में डेट कर जाता है। तो पशु को अगर पेट में बच्चा डेट करती है तो मेन सिग्नल यही है कि वह जो है डिस्चार्ज करेगी। पहले एक दिन, दो दिन, तीन दिन डिस्चार्ज करेगी और उसके बाद वह जो है एवर्सन उसका हो जाएगी। और जब पशु के पेट में एवर्सन हो जाएगी, डेट कर जाएगी बच्चा, तब उसके बाद जो उसके बच्चदानी से, यूटेरस से रेड कलर का, लाल कलर का जो है पानी आएगी। तो आपको समझ जाना है कि पशु का पेट में बच्चा डेट कर गई है। तो साथियों, वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि जब भी आपको लगे कि पशु प्रेग्नेंट है और कुछ भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तीन चार महीने बाद कुछ भी वह पेशाब के रास्ते से गिरा रही है, तो इस तरह की कंडीशन में आपको जो हाइप्रोजेस्टेरोन ग्रुप का जो इंजेक्शन आती है, जैसे कि ड्यूराप्रोजेन नाम का इंजेक्शन आपको दिलवा देना है। अगर ड्यूराप्रोजेन या हाइप्रोजेस्टेरोन ग्रुप का किसी भी कंपनी का अगर आप इंजेक्शन पशु को दिलवाते हैं, तो यह जो पशु को एवर्सन होने का डर है, पशु को जो यूटेरस बच्चदानी में बच्चा डेट करने का डर है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।